मोबाइल क्यों पागल हो तुम? तोड़ दिया, कौन सा पाकिस्तान आ रहा है? न्यूजीलैंड ही आ रही थी यार, मैंने उम्मीद लगाई हुई थी न्यूजीलैंड के ऊपर। पागल आपने मोबाइल, यार अपने मोबाइल की बर्बादी उतार दी। मोबाइल की क्या बात है, इंडिया को मैं जीतना देखता हूं। वो अभी भी चल रहा आज तो न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा था, जब केन विलियमसन और मिचेल्स खेल रहे थे तो एक मिनट के लिए जो इंडिया का क्राउड था उस पर सफाई मातम छा गया था। और मैंने ये देखा क्राउड वाले ही आउट दे रहे थे, बाहर से बैठे आउट है आउट है आउट है, एम्पायर देने थे, क्राउड ने फैसला करना शुरू कर दिया। एक चौका लगता था, सबकी बोलती बंद हो जाती। आप मुझे बता दें, आप सभी खड़े हैं, आप मुझे बता दें कि ये 10 में से 10 मैच कौन जीतता है भाई अपने होम ग्राउंड में? ठीक है वो उनका भाई, आप अपनी हार कबूल करो, उनकी जीतें कबूल करो। डोमेस्टिक में भी ये चीज पता है, और आप बिफोर मैच कैसे विकेट चेंज हो सकता है वही बात आ गई। फिर इंडिया हर हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो दैट्स इट। वो अंपायरिंग में भी कर रहा है, वो विकेट आज उन्होंने वो काम कर दिया कि जो पिच भी आपको पता चेंज कर दी, कॉइन में वो नहीं नजर आ रहा कि कॉइन जो फ्लिप हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन टॉस जीत रहा है। लेकिन ये मैच फिक्स है, 100% फिक्स है। और ये मैच नहीं, मैं अकेले मैच की बात नहीं कर रहा, ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही फिक्स है। क्राउड तादाद में बड़ा था, दिल के बड़ा, दिल का बड़ा नहीं। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सांप सूं गया है, कोई खामोशी है, सन्नाटा है लोगों के चेहरे। इवन के एक ऐसा मोमेंट भी आया जब शमी ने कैच ड्रॉप किया केन विलियमसन का, तो रोहित शर्मा का चेहरा भी उनके एक्सप्रेशन देखने वाले थे, जो कि कमेंटेटर्स खुद बोल रहे थे कि रोहित अपने मूड में हमें नजर नहीं आ रहे। इंडिया की कोई बेईमानी है बॉल के अंदर, क्या बॉल के अंदर क्या चीज, कोई चीज फिट की हो? हाँ जी, कोई स्प्रिंग या ऐसे चीज ना डाली यार, खुदा का ये आपको नहीं पता, आपको क्रिकेट का नहीं पता। आप क्या है यार, वैसे न्यूजीलैंड ने जो इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेली है ना, प्रेशर तो होगा, और अब जो न्यूजीलैंड से ज्यादा इंडिया पे प्रेशर है। टीम है, सारे मैचेस जीती थी, अब आप देखना ये ब्लंडर करेगी, ये ही करेगी। सोचिए वैसे अगर इंडिया की पहली बार हारते हैं भाई, मुझे तो लगता है हार जाए डायरेक्ट प्रेशर की वजह से। पड़ोसी तो है ही हमारे और आपके दुश्मन है, वो तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो हिंदुस्तान से जरूर जीतेगा। उनकी मीडिया वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी तक 9 के 9 मैच जीता रहा है, लेकिन जो एक मैच हारेगा उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया ने आखिरकार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा कर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां पर उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, 10 के 10 मैच जीते हैं। इंडिया ने जैसे ही सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम छा गया, जैसे कि पाकिस्तानी सेमीफाइनल हारा हो। ज्यादातर पाकिस्तानियों की दुआएं ये रही होंगी कि इंडिया सेमीफाइनल में मैच में हार जाए। अब खुद तो सेमीफाइनल में पहुंच नहीं पाए तो इंडिया की हार में ही खुशी मिल जाए। पाकिस्तान में हर वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए दुआएं होती हैं। कभी ये दुआ करते हैं कि दूसरी टीम हार जाए या कोई फिर तीसरी टीम जीत जाए, और अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो वर्ल्ड कप को ही साजिशों वाला वर्ल्ड कप बता देते हैं। ऊपर से इंडिया फाइनल पहुंच गया है तो पाकिस्तानियों के मुताबिक बॉल के अंदर चिप फिट कर रखी होगी, टॉस तक फिस कर रखे होंगे इंडिया ने। इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए ICC ने BCCI के साथ हाथ मिला लिया होगा, मगर अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया होता तो ये फिक्सिंग वाली बात नहीं हो रही होती। मगर पाकिस्तानी को शायद ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा मैच फिक्सर भी पाकिस्तान टीम में ही रहे हैं। आप भी इन पाकिस्तानियों का दर्द देखिए कि किस तरीके से इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं इंडिया के फाइनल में पहुंचने के बाद। वैसे भी पाकिस्तानियों को आजकल पाकिस्तान के बारे में हर जगह से नेगेटिव खबर ही मिलती रहती है, ऊपर से इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई 100% मैच फिक्स है, 100% मैच फिक्स है, 1% भी हो ना कि मैच फिक्स नहीं है तो मैं नहीं मानता। 100% मैच फिक्स ही फिक्स है। उन्होंने 400 स्कोर किया यार। भाई 400 स्कोर ऐसे थोड़ी हो जाता है, मैच फिक्स हो तभी होता है, ऐसे 400 स्कोर कभी नहीं हो सकता। हमारा पाकिस्तान तो कभी, पाकिस्तान के कभी इतना 400 स्कोर तो कभी तो पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन थे भाई, बैट्समैन पाकिस्तान के पास थोड़े हैं। फखर जमान है, बाबर आजम नंबर 1 और अपना मोहम्मद रिजवान। अच्छा अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड जीती मैच फिक्स था? फिर नहीं फिक्स था, मतलब कि इंडिया जीते तो फिक्स है, न्यूजीलैंड जीते तो नहीं फिक्स। ये क्या बात है, उनका स्कोर देखें 400 के करीब स्कोर उनका चला गया। ठीक है जी, मैच फिक्स हो तभी जाता है, ऐसे नहीं जाता। इनके पास ट्रेंट बोल्ट है, एक दो अच्छे बॉलर है इनके पास, ये उनकी विकेट है। क्यों सोती को 100 स्कोर लगा भाई, वो उन्होंने मारा तो फिर ना प्यारे भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता है, मैच फिक्स हो तभी होता है। अच्छा अफ्रीका ने मारा था ना 400+, वो भी फिक्स था। ओ यार खुदा का नाम है, पाकिस्तान जो जब इंडिया जीती आप फिक्स लगा लेते हो यार। प्यारे भाई ये आप भी, कहां पे किस पॉइंट पे आपको लगा? यही पॉइंट है कि इनके पास इतना स्कोर कैसे आया, उनके पास इतने अच्छे बॉलर हैं, नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं उनके पास, इनसे इतना स्कोर कैसे आ गया? अच्छा इंडिया के बता दे कैसे आ गया। मेरी बात, अच्छा इंडिया के बड़े बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के बड़े बॉलर हैं। और तो फिर भाई न्यूजीलैंड ने 400 खा लिया, इंडिया ने क्यों नहीं खाया, इंडिया ने क्यों नहीं चेज होने दिया भाई? उन्होंने मारा ही नहीं है किन्होंने, न्यूजीलैंड ने। मैच फिक्स हो, आप भी यार मुझे क्या लगते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैच फिक्स हो और मैंने मैच फिक्स ही किया यार। पाकिस्तानियों को 4-5 दिन से क्या, जो भी जिससे बात करूं वो मैं कहता मैच फिक्स है भाई, 100% मैच फिक्स है, आप मानो या ना मानो। दस में से 10 मैच वो जीत चुके हैं, तो 10 भी आप देख सकते हैं।
कितनी देर से ये क्रिकेट चल रही है, आज तक 10 में से 10 कोई भी मैच नहीं जीता, ये अकेला इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया अकेला ही वो सारे मैच जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली अपने सारे मैच फाइनल में, अब फाइनल के भी चांसेस हो गए, क्या कहेंगे? मैं क्या करूं, इंडिया जीत गया तो। कोहली ने इतना स्कोर किया, कोहली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहेंगे उस बारे में? कोहली जी ओ भाई ओ भाई मोबाइल ये क्या किया, मोबाइल तोड़ दिया। चले जाओ यार भाई, प्लीज चले जाओ यार। मोबाइल क्यों, पागल हो तुम, तोड़ दिया। कौन सा पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड ही आ रही थी यार, मैंने उम्मीद लगाई हुई थी न्यूजीलैंड के ऊपर। पागल आपने मोबाइल, यार अपने मोबाइल की बर्बादी उतार दी। मोबाइल की क्या बात है, इंडिया को मैं जीतना देखता हूं, वो अभी भी चल रहा है यार, हार जीत होती रहती, ये इतना नुकसान कर लिया यार आपने। यार नुकसान की नहीं बात भाई, मैंने न्यूजीलैंड के ऊपर उम्मीद लगाई हुई थी, ये मैच ही सारा फिक्स है। ओ यार चले फिक्स भी होगा तो ये क्या किया, इंडिया के आने से आपको क्या, इंडिया के जीतने से आपको क्या प्रॉब्लम यार? गुस्सा, किस बात का गुस्सा? न्यूजीलैंड हार गई और इंडिया जीत गई, इस बात का गुस्सा? क्या फाइनल ले जाएगी तो फिर गुस्सा ना करूं तो फिर क्या करूं, आप बताओ मुझे। यार आपको इंडिया के जीतने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने अच्छी परफॉर्म की, वो जीत गए। यार अच्छी तो परफॉर्म की है, आपने एक चीज़ नोट की है पूरे ये वर्ल्ड कप में? क्या? इंडिया की टॉस हुई है, इंडिया ने सारी टॉस विन की है। तो वो लक भी हो सकता है? नहीं, लक कैसे हो जाता है, हर मैच में 10 की 10 टॉस हुई है, 10 की 10 इंडिया ही जीता है। वो जब टॉस है न्यूजीलैंड पे जुआ तो नहीं लगाया? नहीं नहीं जुआ तो नहीं मैंने लगाया था, लेकिन मैंने उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाई थी इसके ऊपर, ये जीतेगा, मेरी फेवरेट टीम थी ये, मुझे उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान का बदला लेगी, लेकिन ये तो उससे भी रही गुजरी निकली यार। लेकिन इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, पाकिस्तान से अच्छा खेले हैं ये मेरी फेवरेट टीम थी पाकिस्तान के अलावा, ये मेरी, मैं इसको अच्छी टीम मानता था यार। हो जा तो होता है भाई, चलो बार बार क्या नुकसान यार, बार बार देख रहे मोबाइल को, मोबाइल के वो आपने डंड उतार दी है यार। 10 में से 10 मैच जीत गए इंडिया ने, मैच ना फिक्स किया हुआ इसलिए जीता है, ऐसे जीत नहीं जाता था, 202 स्कोर था और 2 ही आउट थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया हर मैच में टॉस भी जीतता है तो एक एक मैच में टॉस हार ही नहीं इंडिया। मेरी एक बात सुन ली, मैंने दो अंक का पहले के इंटरव्यू लिया है, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के इंटरव्यू लेते हैं वो यही कहते हैं कि यार इंडिया फिक्स करता है, इंडिया ने पैसे दिए थे, क्या माइंड सेट है आपका यार? यार इंडिया जब बॉल करता है ना, उनकी बॉल बहुत ज़्यादा टर्न होती है, दूसरी टीमों की बॉल टर्न ही नहीं होती, 2-3 विकेट वो पहले ना उड़ा जाते हैं, इसलिए ना वो इंडिया जीत रहा है, इंडिया की कोई बेईमानी है बॉल के अंदर। नहीं क्या, बॉल के अंदर क्या चीज़, कोई चीज़ फिट की हो? हाँ जी, कोई स्प्रिंग या ऐसे चीज़ ना डाली यार, खुदा का ये आपको नहीं पता, आपको क्रिकेट का नहीं पता, आप कैसे आप बता सकते हैं ऐसे नहीं हो सकता? 10 टॉस आप जीत कर दिखाएं, मेरे साथ करें ना टॉस, आप कैसे जीतते हैं 10 टॉस यार? ये लक की बात भी तो हो सकती है। नहीं लक कैसे हो? अच्छा टॉस जीत गया, मैं तो नहीं ना 10 कोई जीत सकता। इंडिया के अंदर खेल है ना इंडिया, बाहर खेले तो मैं देखता हूँ 10 टॉस वो जीतते हैं, वो फिक्स करके मैच जीते, ऐसे नहीं जीत सकते यार भाई। चले टॉस तो 10 जीत ली, और भाई 10 मैच तो नहीं ना कोई जीत सकता, वो जीत ही ऐसे रहे हैं, वो पैसे देते हैं ICC के साथ मिले हुए हैं, ऐसे जीत रहे हैं कि वो बॉल उसकी मर्जी की है, विकेट उसकी मर्जी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।